हेलो डियर फ्रेंड्स, अस्पिराज इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेश स्पोकन क्लास की अगली वीडियो लेकर के आ गया हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टेंस का अगला जो टेंस है। हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया हुआ है, पास्ट टेंस कंप्लीट किया हुआ है, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फ्यूचर टेंस। तो आइए देखते हैं बस आपको क्या करना है कि मैंने पहले से ही बताया कि क्या होता है जब भी आप स्पोकन कर रहे हो तो क्या होता है कि कैसे हम लोग सीख सकते हैं इंग्लिश को बोलना। आपको जिस दिन जो भी स्टडी मटेरियल मिल रहा है उससे ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए और बोलने का कोशिश कीजिए। आपको आपके एम्बिट में जो भी चीज़ मिलते हैं, आपके इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ मिलते हैं उसको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। देखिए फिर इंग्लिश आपके लिए आसान हो जाएगी। बस आपको कोशिश करना है, जो भी चीज़ें आपको जो भी सेंटेंस मिल रहा है उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करना है। चलिए देखते हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस का जो पहला टेंस होता है वो है फ्यूचर इंडिफिनाइट टेंस, जिसे हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। आइए देखते हैं ये क्या होता है, इसका पहचान कैसे करेंगे। पहचान सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, पहचान करना, उसके बाद ही हम लोग उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। जब भी हमारे इन्वायरमेंट से कोई भी हिंदी सेंटेंस हम लोग लेंगे, जब तक उसको पहचान नहीं सकते तब तक उसका ट्रांसलेट नहीं कर सकते। चलिए पहचान करना सीखते हैं कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर इंडिफिनाइट टेंस होता क्या है, इसको पहचानेंगे कैसे। तो जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिखे गा के गी तो आपको जान जाना वो है फ्यूचर इंडिफिनाइट टेंस। आइए देखते हैं हिंदी वाक्य के अंत में अब इसको बनाएंगे कैसे, ट्रांसलेट कैसे करेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, सेल या विल लगाते हैं। और सेल और विल का यूज मैंने आपको बताया था कि सेल का यूज किसके साथ करेंगे और विल का यूज किसके साथ करेंगे। चलिए और एक बार बताता हूँ, सेल का यूज हम लोग करेंगे आई और वी के साथ और विल का यूज करते हैं बाकी आई और वी छोड़ के जो भी आते हैं सबके साथ हम लोग विल का यूज करते हैं। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है ना, आई वी यू जो भी हो सबके साथ विल का ही यूज किया जाता है। सेल के यूज जो है वो आज के टाइम में ना के बराबर किया जाता है, कुछ ही लोग करते हैं। क्या कारण है, कहाँ के लोग आज भी सेल का यूज करते हैं, कहाँ पे विल का यूज होता है, ये सारी डिटेल्स के साथ मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। और क्यों आज विल का यूज हो रहा है, सेल का यूज कम क्यों हो रहा है, सारा चीज उसमें दिया हुआ रहेगा। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, विल का ही यूज करेंगे, चाहे वो आई हो वी हो कुछ भी हो सबके साथ विल का ही यूज करेंगे। चलिए बाकी जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैंने बताया कि उसके लिए एक अलग वीडियो हम लोग बनाएंगे, उसमें सारा चीज डिटेल्स में रहेगा कि क्यों हम लोग विल का यूज कर रहे हैं। चलिए हम लोग बढ़ेंगे विल के साथ, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जैसे कहेंगे कि मैं स्कूल जाऊँगा, इस सेंटेंस में देखिए लास्ट में कहा है, हम लोग बनाएंगे क्या इसका ट्रांसलेट, आई विल गो टू स्कूल। तो इस प्रकार से हम लोग सेंटेंस इसका बना सकते हैं। बस आपको समझना है कि पहचान करना है, जब भी हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी दिखे क्या हो जाएगा, वो फ्यूचर इंडिफिनाइट टेंस हो जाएगा। यानी इसमें फ्यूचर इंडिफिनाइट टेंस में हम लोग करते क्या है कि ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में नियमित रूप से होगा वैसे टेंस को ही, वैसे सेंटेंस को ही हम लोग कहते हैं फ्यूचर इंडिफिनाइट टेंस। बस वहीं से आपको पहचान करना है और तुरंत बना देना है। स्ट्रक्चर मैंने आपको दे दिया, अभी मैंने स्ट्रक्चर जो है आपके लिए तो और आसान हो गया क्योंकि सेल का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, विल का यूज। अब स्ट्रक्चर हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब तो चीज़ें आसान हो गई ना। चलिए बनाते हैं कुछ सेंटेंस। जैसे कहेंगे तुम क्रिकेट खेलोगे, यू विल प्ले क्रिकेट। वह टीवी देखेगा, ही विल वॉच टीवी। गीता बाजार जाएगी, गीता विल गो टू मार्केट। मोहन आम खाएगा, मोहन विल ईट अ मैंगो। तो इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस को हम लोग आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर की सहायता से। अब क्या करना है आपको, देखो जिस तरह से मैंने आपको बताया हुआ था ना कि एक सेंटेंस का तीन सेंटेंस करना है और उसका नेगेटिव बनाना है, वो जरूर कीजिए, वही आपके लिए फायदेमंद होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए क्या कहेंगे इसके बाद हम लोग। हमने आज कंप्लीट क्या किया, फ्यूचर इंडिफिनाइट टेंस। अब इस कैसे आप बोलना कैसे सीख सकते हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी है आप स्पोकन कर रहे हो, आपको बोलना है, बोलना कैसे सीख सकते हैं। अब क्या खुद से बोलना चालू कीजिए बस इस स्ट्रक्चर की सहायता से जो मैंने आज आपको दिया। जो भी काम आप करोगे उसको तुरंत ट्रांसलेट कीजिए। जैसे कहेंगे कि मैं पानी पीऊंगा, आई विल ड्रिंक वाटर। क्या पानी पीऊंगा, आई विल ड्रिंक वाटर। जो भी काम मैं करूंगा तुरंत उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। बस फिर देखिए आप अंग्रेजी जो है आसानी से बोलने लगेंगे अपने, जो भी डेली यूज करते हैं, जो भी करते हैं। जैसे मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, सवेरे उठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बस उसको इंग्लिश में बोल दीजिए, आई विल रीड न्यूज़पेपर। जो भी काम करेंगे उसको तुरंत इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, पूरा दिन भर में जो भी काम करेंगे।
मतलब क्या, आप अंग्रेजी बोलने लगेंगे तो आपको शुरू करना है, बस आप शुरू कीजिए, उसके बाद देखिए कितने आगे तक आप जा सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो में हमने कंप्लीट किया फ्यूचर इंडिफिनाइट टेंस, आज के बाद इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में कुछ नया सीखेंगे।